मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी साबूदाना वड़ा। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम रहता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए चलते हैं साबूदाना वड़ा बनाने। वड़ा बनाने के लिए मैं एक कटोरी भिगा हुआ साबूदाना ली हूँ। 6 से 7 घंटे तक मैं भिगो के रख दी थी। 2 मीडियम साइज आलू ली हूँ। धनिया पत्ती, 3 हरी मिर्ची, नमक, 1/4 चम्मच जीरा। इस वड़े को आप उपवास में भी खा सकते हैं, उपवास का नमक डाल करके। इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे कि आलू में गुठलियाँ न रहे। अगर आलू में गुठलियाँ रहेगी तो फिर वड़ा अच्छे से नहीं बनेगा। मैं दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं घिस करके, लहसुन भी घिस करके डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सादा बना रही हूँ, एकदम सिंपल। 2 चम्मच सिंगदाना पाउडर डालूँगी भुना हुआ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं वड़ा बना लेती हूँ। हथेलियों की सहायता से वड़ा बना लेती हूँ। थोड़ा सा लेने का और बॉल के साथ बनाने का और प्रेस कर देने का इस तरह से। अगर वड़ा नहीं बन रहा है बराबर से तो उसमें आप एक आलू और ऐड कर दीजिए, फिर वड़ा अच्छे से बनेगा। मेरी बाइंडिंग एकदम बराबर है, वड़ा परफेक्ट बन रहा है। इसी तरह से मैं सभी वड़े को बना लूँगी। सभी वड़ा मैं बना चुकी। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। कढ़ाई में तेल गरम कर लेती हूँ। मैं एक साबूदाना डाली हूँ। साबूदाना अगर ऊपर आ जाए तो तेल समझो अच्छे से गरम हो चुका है। मेरा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके साबूदाना वड़ा डालती हूँ। ध्यान रहे कि हाथ नहीं जले। मैं गैस तेज पे ही रखी हूँ। वड़ा डालने के बाद मैं गैस को मीडियम पे कर दूंगी। दोनों तरफ से मैं अच्छे से सेक लूंगी इसे गोल्डन होने तक। वड़ा तलने में मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुरंत वड़ा डालने के बाद पलटी नहीं मारे, कुछ मिनट बाद पलटी मारे, नहीं तो फटने का चांस है। अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो गैस को स्लो कर दें, नहीं तो वड़ा अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है वड़ा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पे। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। निकालते समय गैस को स्लो कर दें। इसी तरह से मैं सभी वड़ों को फ्राई कर लूँगी। ध्यान रहे जब भी वड़ा डालें तभी गैस तेज पे रखें। वड़ा डालने के बाद फिर गैस मीडियम पे कर दें और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें गोल्डन होने तक। वड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं निकाल लेती हूँ इसे। सभी वड़ा को मैं फ्राई कर चुकी, आप देख सकते हैं। गैस मैं अभी बंद कर देती हूँ। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाइए।